हेलो एवरीवन, वेलकम टू माला स्टडी। गाइस, यहाँ पर जो ITBP आपका टेलीकॉम का जो अभी DME होने वाला है, जिसका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन फुल फॉर्म है यहाँ पे, तो इसमें आपका सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए वहाँ DME के लिए, क्योंकि आप जिस DME के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको पूरा सर्टिफिकेट दिखेगा साथ में, क्योंकि मेडिकल और डिटेल डॉक्यूमेंट चेक दोनों साथ में होगा वहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स के बाद ही आपका वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ सारा मेंशन कर रखा है। फेज 3 का जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर डिटेल दे रखा है, जैसा नोटिफिकेशन का यहाँ पे फेज 3 का जो नोटिफिकेशन में दे रखा है, आपका सारा यहाँ पर दे रखा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो इसी का मैंने एक PDF फाइल बनाया, जिसमें सारा डॉक्यूमेंट्स का मैंने एक साथ यहाँ पे अरेंज कर दिया है, ताकि आपको इजी पड़े, ठीक है। आप चाहे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका, एंड PDF फाइल हो सके तो मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ताकि आप डाउनलोड कर सकें। और एक चीज़ ज़रूरी है इसमें कि आप जब भी आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ले जाए, तो वहाँ पर आपका अपना एक चेकलिस्ट बना लें, एक ब्लैंक पेपर पर लिख लें कि कौन कौन सर्टिफिकेट चाहिए, और वहाँ पर एक चेकलिस्ट बना लें। तो जो जो सर्टिफिकेट आपने वहाँ पर रखा, सारे के चेकलिस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर छूट गया तो आप घर से दूर होंगे और कोई घर पर होगा नहीं जो आपको वहाँ पर जल्दी पहुँचा सर्टिफिकेट, तो बहुत बड़ा केस वो बन जाएगा वहाँ पे, फिर आपका हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाए, ठीक है, सर्टिफिकेट के चलते। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फॉलो करने पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का यहाँ दे रखा है कि एजुकेशन सर्टिफिकेट सारे होने चाहिए। आप चाहे जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास हो, 10th 12th BTEC या फिर BE या फिर ITI डिग्री जो भी कर रखे हैं, सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। दूसरा नंबर यहाँ पर दे रहा है कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एज इन मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास सर्टिफिकेट। जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट होता है उसमें तो आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता ही है, तो अलग से इसमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपका 10th का जो आपका मार्कशीट होता है उसमें मेंशन होता है डेट ऑफ बर्थ। फिर इसमें थर्ड में लिख रहे हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए सर्टिफिकेट, जो भी अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप डाल सकते हैं उसमें, आप मतलब साथ में ले सकते हैं। ऐसे मैंडेटरी वही है जो आपने जिस समय फॉर्म भराया होगा, अगर उसमें आपने सर्टिफिकेट टोटल डाला होगा कौन कौन सर्टिफिकेट मेरे पास है और क्या क्या वहाँ पे मांग रहा था, वही सर्टिफिकेट मैंडेटरी यहाँ पे ले जाना। अदरवाइज आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है तो ले जा सकते हैं। एनीवे यहाँ पे मैंडेटरी है ना जो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट का, ठीक है, आपको वही खोजेगा जो आपने फॉर्म भरने वक्त अपना सर्टिफिकेट जो भी डाला था, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ और मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि जो भी सर्टिफिकेट आप ले जा रहे हैं यहाँ पे, सारे का आपको यहाँ पे स्कैन कॉपी होना चाहिए, ठीक है। स्कैन कॉपी करा लीजिएगा, कराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से मोबाइल से हो जाएगा। मैं उसका भी वीडियो शायद बना दूँ यहाँ पे कि आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल से, ठीक है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, 5 मेगापिक्सल 6 मेगापिक्सल जो भी कैमरा आते हैं 10 मेगापिक्सल के आसपास, आजकल स्मार्टफोन तो सभी के पास होते हैं, ठीक है, तो स्मार्टफोन से आप कॉपी जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वहाँ से स्कैन कर सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है, आप देख के सीख सकते हैं। और सारे जो सर्टिफिकेट आप वहाँ पर ले जा रहे हैं सारे का स्कैन कर लें वहाँ पर, जब आपका जो भी होगा वहाँ पर, क्योंकि कलर कॉपी आपका स्कैन कॉपी रहेगा तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर कोई भी सर्टिफिकेट मिसमैच होता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये सर्टिफिकेट मैंने स्कैन किया हुआ है, आप वहाँ पर दिखा सकते हैं इमरजेंसी के रूप में, ठीक है, अदरवाइज वहाँ पर मिल नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मेंशन कर रहा है सर्टिफिकेट वगैरह, जैसे यहाँ पे आपका शेड्यूल्ड कास्ट का चाहिए सर्टिफिकेट, अगर आपने दे रखा है कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ का, जैसे आप शेड्यूल्ड कास्ट में आते हैं या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं, और अगर मेंशन कर रखा है कि आपने यहाँ जो फॉर्म भरा रहा तो उसमें मेंशन कर रखा सर्टिफिकेट चाहिए होगा, OBC का भी चाहिए होगा जो आपने मेंशन कर रखा होगा, तो एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ग्रुप में यहाँ पे पैन कार्ड मांग रहा है, यानी कि ID कार्ड मांग रहा है, ज़रूरी है तो आप ले जाइएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे वोटर ID, पासपोर्ट जो भी होगा, एंड वेस्ट पाकिस्तानी सिटीजनशिप या रिफ्यूजी वगैरह वगैरह जो यहाँ पर दे रखा है, तो ये सब आपको सिर्फ उसी इसमें क्या करना है, एक ID कार्ड होना चाहिए। ID कार्ड में आपका आधार कार्ड हो जाएगा, पैन कार्ड हो जाएगा, या फिर जो भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह यहाँ पर सारा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे छठा में बोल रहा है कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपने एक्स सर्विस मैन के रूप में भरे हैं फॉर्म को तो आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, जहाँ आपने पहले काम किया होगा वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको इशू करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर सातवां है कि 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज सबमिटेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि एक जगह यहाँ पर 4 कॉपी ले लें, काफ़ी काम आएगा वहाँ पर, जब भी आप इंटरव्यू या कुछ करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो फोटोग्राफ होते हैं एक्स्ट्रा लेने चाहिए, ठीक है, ताकि वहाँ पर कोई इमरजेंसी पड़े या कुछ भी पड़े तो आप एक्स्ट्रा जो फोटो है आप वहाँ पर यूटिलाइज कर सको, अदरवाइज ऐसे ज़रूरी नहीं होता। 1 कॉपी यहाँ पर मैंसन किया तो 1 ही कॉपी होगा, बट मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप 4 कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है।
एंड यहाँ पे आठवां दे रखा है कि सर्टिफिकेट एज पर एनेक्स 5 फॉर क्लेमिंग रिलैक्सेशन इन हाइट एंड चेस्ट इफ एप्लीकेबल। यहाँ पे अगर आपने कुछ इस तरह का दे रखा है कि मुझे इसमें रिलैक्सेशन चाहिए, जो आपका अग्रवाल या सामी जो वगैरह का जो बिलोंग करते हैं जो उनको खासकर यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा दे रखा था तो आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जो भी पीडीएफ मैंने बनाया है खुद से, कि क्या क्या सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी है यहाँ पे चेकलिस्ट में आना जरूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 10th का यहाँ पे पहले दिया है, और 10th में आपको एडमिट कार्ड होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, चेक करता है वो, मेन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है होना ही चाहिए, ये सारे यहाँ पे मैंडेटरी है, ठीक है। मार्कशीट से लेकर आपका ये मेन सर्टिफिकेट, जो तीन सर्टिफिकेट है ये मैंडेटरी है 10th क्लास का, आपके पास होना ही होना चाहिए, तीनों सर्टिफिकेट चेक करता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर ना दें तब वो काम चलेगा, जो आप सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कराते हैं 10th के लिए उस समय का सर्टिफिकेट जो बनता है वो मैं बोल रहा हूँ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट है 10th का तो भी ले आ सकते हैं, अदरवाइज ये तीनों आपको जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये तीन सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद 12th का यहाँ पर बात करें तो 12th में आपका एडमिट कार्ड, मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मेन सर्टिफिकेट, इसमें भी आपका चार सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, मार्कशीट से लेकर आपका माइग्रेशन और मेन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन नहीं भी दें तब वो काम चलेगा, लेकिन है आपके पास तो ले जाइएगा, ठीक है। एंड मेन सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे देखेगा सारा वहाँ पे। एंड रजिस्ट्रेशन स्लिप, इसमें भी जो आपने 12th के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अगर है तो ले जाइएगा। एंड इसके अलावा और भी कोई 12th का सर्टिफिकेट हो, जैसे SLC वगैरह इंक्लूडेड हो तो उसमें ले जा सकते हैं। एंड या SLC वगैरह यहाँ पे मैंडेटरी, क्योंकि वहाँ देखेगा आपका। इसके अलावा आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे चार कॉपी एटलीस्ट ले जाइएगा, वहाँ पे एक कॉपी दे रखा था, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कोई डिग्री है ITI का, या फिर कोई भी डिग्री BTech कर रखे हैं, या फिर कोई भी ग्रेजुएशन सिंपल सा कर रखे हैं तो वो डिग्री आपके पास है तो सर्टिफिकेट ले आ सकते हैं, सारे सर्टिफिकेट जो भी उससे लेटर सर्टिफिकेट है। एंड एक्सपीरियंस आपके पास है, अगर आपने कोई काम कर रखा है पहले तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए तो इस हिसाब से ले जा सकते हैं। अगर फ्रेशर में भरे हैं तो, अगर एक सर्विसमैन में भरे हैं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का भी ज़रूरत पड़ेगा, तो एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लस आपको वहाँ पे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी देने होंगे। एंड कास्ट सर्टिफिकेट में आपको वहाँ पे देना पड़ेगा जो आपने क्लेम किया होगा, अगर आप SC से बिलोंग करते हैं या फिर ST से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, या फिर OBC का सर्टिफिकेट आपको देना होगा जब आपने क्लेम किया हो कि मैं OBC कैटेगरी में आता हूँ, जो आपका देना होगा, या इसमें आपका क्रीमी लेयर है एंड इसमें नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है। तो सारा यहाँ पे देना पड़ेगा आपको, OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे मेंशन कर रखा है शायद कुछ 3 साल या ऐसे कुछ मेंशन कर रखा है, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं लोग उनका वहाँ पे मेंशन करेंगे 3 साल के पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3 साल के बाद का सर्टिफिकेट होगा तो वहाँ पे कंसीडर नहीं करेगा। देख सकते हैं आप वहाँ पे देख लीजिएगा जुड़े वहाँ पर डेट भी मेंशन कर रखा है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे आपको ID कार्ड का जरूरत पड़ेगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का भी जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर मेंशन कर रखा है मैंने। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा जो आपके पास रहेगा। एंड ID कार्ड में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, इसके अलावा जो भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ भी हो ID कार्ड में तो आप वहाँ पर ले जा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं बताया कि आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जरूरी है, अगर आपने एक सर्विस मैन के रूप में आपने अगर फॉर्म भर रखा है तो वहाँ पे आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो सारा यहाँ पे मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसका PDF मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। अपना एक ब्लैंक पेपर पर चेकलिस्ट बना सकते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट जरूरी है जो आपके मतलब एक फाइल में होने चाहिए DME अटेंड करने से पहले, ठीक है, ये सारे होने चाहिए। और एक चीज मैंने और बताया यहाँ पे मैंडेटरी की, स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, स्कैन कॉपी ले लीजिएगा कम से कम जो भी आपका होगा सर्टिफिकेट, मोबाइल में या फिर पेन ड्राइव में जो भी होगा सारा वहाँ ले लीजिएगा, काफ़ी काम आएगा स्कैन कॉपी, ठीक है। और एक चीज़ और मैंने बोलना यहाँ पे भूल गया कि आपके पास 2 कॉपी कम से कम जीरोक्स कॉपी होने चाहिए, जहाँ भी आप जा रहे हो या फिर इंटरव्यू में जा रहे हो या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हो, 2 कॉपी आपके पास मिनिमम जीरोक्स कॉपी होने चाहिए, प्लस सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जैसे इसमें बोला गया है यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में बोला गया है कि सेल्फ अटेस्टेड आपके पास होनी चाहिए, तो सेल्फ अटेस्टेड आपका वहाँ पे रख लेगा, बाकी जो आपका वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। ऐसा इसमें मेंशन कर रखा है, अब मैंने सारा यहाँ पे पढ़ा इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सारा कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे आपको ज़रूरी है आपका 1 कॉपी एटलीस्ट आपका आपके पास होनी चाहिए जीरोक्स कॉपी, वैसे 2 कॉपी ले लीजिएगा, एंड सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए जो आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है।
तो ये सारा यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो फॉर्मेट दे रखा है वो भी मैं बता दूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का, अगर आपने काम यहाँ पे लगातार आपने ज्वाइन कर रखा है कि अभी काम कर रहे हैं तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होने चाहिए। ये यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है, फॉर्मेट अगर आप फॉर्मेट फॉलो करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। आपके पास वहाँ पर मेंशन होना चाहिए कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेगा। फॉर्मेट वैसे दे रखा है, अगर फॉर्मेट बनाना चाहे तो फॉर्मेट बना सकते हैं। एंड यहाँ पे आप कैनेक्सर 2 का जैसा मेंशन कर रखा था कि फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें आपका एक फॉर्मेट दे रखा है, जनरली फॉर्मेट्स वहाँ पे उस केस में मांगते हैं जब ज़्यादा मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से वहाँ फॉर्मेट वहाँ पे मांग नहीं करेंगे, फिर भी आप ट्राई कीजिएगा कि इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि तंग करना शुरू कर देगा अगर आपने कुछ वहाँ पे मिसअप किया या फिर कोई भी परेशानी अगर वहाँ पे नहीं प्रोड्यूस कर पाए सर्टिफिकेट तो काफ़ी परेशान कर देगा आपको, ठीक है। तो ये सारी होनी चाहिए आपके पास। कोशिश कीजिएगा कि जो यहाँ पे आपका फॉर्मेट दे रखा है इसी फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो SC ST का फॉर्मेट और दे रखा है यहाँ पे। और मिनिमम जो आपको वहाँ पे मांगता है, जो कंसिडर करता है, आपका सब डिविजनल ऑफिसर का होना चाहिए मिनिमम, आपका सब डिविजनल जो SDO लेवल का होता है जो वहाँ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने ब्लॉक लेवल का सिर्फ करा रखा है तो आपका वहाँ पे नया एक्सेप्ट करेगा, आपका वहाँ पे होना चाहिए मेंशन कि आपका सब डिविजनल ऑफिसर से यहाँ पे साइन है, अटेस्टेड है, ठीक है, तो आपका मिनिमम वहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। एंड उसके अलावा यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे अदर बैकवर्ड जैसे OBC कैटेगरी का मैंने बात कर रहा था कि वहाँ पे अगर आपने दिया है OBC कैटेगरी का तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे जी दे रखा है फॉर्मेट, अगर आप फॉलो करते हैं तो ठीक है, खासकर आपके मार्केट में जो होते हैं सेमी फॉर्मेट के मिल जाते हैं तो मेरे ख्याल से बन जाएंगे, ठीक है। अगर आपने बना रखा है तो अच्छी बात, नहीं तो जल्दी से बनवा लीजिए क्योंकि यहाँ पे जो DME का कभी बहुत ही कम समय बचा हुआ है मेरे ख्याल से, तो सारे यहाँ पे सर्टिफिकेट होने चाहिए मैंडेटरी, ठीक है। इसका भी जो वहाँ पे दे रखा है आपका मिनिमम जो है जो DE यहाँ पे दे रखा है सब डिविजनल ऑफिसर का होना चाहिए, मिनिमम आपका यहाँ पे होना चाहिए, ब्लॉक लेवल का आपको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो अपर ग्रेड का दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रिवेन्यू ऑफिसर वगैरह दे रखा है, ठीक है। जनरली आपका सब डिविजनल ऑफिसर ईजी पड़ता है वहाँ पे बनवाना सर्टिफिकेट, क्योंकि अवेलेबल होता है सब डिविजनल ऑफिसर अनुमंडल या जो भी हो जिस रीजन का अनुमंडल होता है वहाँ पे अवेलेबल होता है, इजीली बन जाता है। अदरवाइज आपका पहुँच है यहाँ डायरेक्ट बनाने का तो आप बनवा सकते हैं कम दिनों में। और यहाँ पे ना क्रीमी लेयर का दे रखा है, जो आप जैसा मैंने बताया था कि तीन साल के रेंज में होना चाहिए, अदरवाइज अगर एक्सपायर कर गया हो तो आपको वहाँ पे कंसीडर नहीं करेगा नन क्रीमी लेयर में, और हो सकता है वहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाई भी कर देते हैं। याद रखिएगा कि 3 साल के पहले का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, अंडर 3 साल में होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओबीसी नन क्रीमी जो लेयर है आपका मेंशन कर रखा है यहीं पे था, तो आपका यहाँ पर दे रखा है 3 साल बिफोर, यानी 3 साल के पहले, मतलब 3 साल बाद का नहीं होना चाहिए, अंदर 3 साल में का होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पर जो आपका कट ऑफ डेट दे रखा है 27/11/2018, ठीक है, 27/11/2018 का डेट दे रखा है, उस हिसाब से आपका 3 साल के अंदर में होना चाहिए, अगर एक्सपायर कर गया तो वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं एनेक्सर 5 का दे रखा है, जो यहाँ पर रिलैक्सेशन के लिए क्लेम कर रखे हैं इन हाइट और चेस्ट मेजरमेंट, तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है यहाँ पे, अगर आपने क्लेम कर रखा तो आपको बनवाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो दे रखा है कि किसके लिए अप्लीकेबल है, यहाँ पे गढ़वाली, कुमानॉय, कुमानी, डोगरा, मराठा, सिक्किमिज्म वगैरह वगैरह यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर अप्लीकेबल हैं, आपने डाला है फॉर्म भरने वक्त, तो अपना सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है, अगर तभी आपका क्लेम कर पाएंगे, अदरवाइज वहाँ पे आपका हो सकता है वहाँ पे क्लेम ले ही ना, ठीक है, और वहाँ पे परेशानी उठाना पड़ जाएगा आपको। तो ये सारा यहाँ पे दे रखा था सर्टिफिकेट। सो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो गाइज, अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और शेयर करना जरूर यहाँ पे बनता है, क्योंकि हर कैंडिडेट को यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सर्टिफिकेट चाहिए, क्या जरूरत है, हर कैंडिडेट को यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी जरूरतमंद है उनको यहाँ पे फायदा हो, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेकर आते हैं, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।